अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और हर बुरी बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज मेरी फ्रेंड आने वाली है तो मैं उसके लिए कुछ बनाना चाहती हूँ और मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है, इसलिए मैं कुछ ऐसा बनाऊँगी जो बिल्कुल कम टाइम में रेडी हो जाए और फिर मैं अपने फ्रेंड को टाइम भी दे सकूँ। मैं यहाँ पर कस्टर्ड बनाने जा रही हूँ क्योंकि कस्टर्ड सबका ही फेवरेट होता है। कस्टर्ड बनाने के लिए मैं यहाँ पर दूध ली हूँ, दूध को बॉयल होने तक वेट करूँगी। मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप दूध और फिर मैं इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी और इस बात का ध्यान रखना होगा कि दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर इसमें लम्स आना शुरू हो जाएंगे और कस्टर्ड स्मूथ और क्रीमी बिल्कुल नहीं बन पाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और दूध बिल्कुल नॉर्मल लें। यहाँ पर दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है और इसको मैं मीडियम फ्लेम पर कर दूँगी और इसको 2-3 बार चला लूँगी और 2-3 मिनट के लिए मैं इसे मीडियम फ्लेम पर ही रखूँगी जिससे दूध और गाढ़ा हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 स्पून चीनी और इसे अच्छी तरीके से मिला लूँगी। चीनी बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए दूध में। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जो कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट बना कर रखी हूँ। डालने से पहले मैं इसको 1-2 बार चला लूँगी और फिर मैं इसको दूध में ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है और मैं यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैं फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पर रखी हूँ और इसको मैं चलाते रहूँगी कि लम्स बनना शुरू ना हो जाए। इसे इस स्टेज पर 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे और फ्लेम बिल्कुल मीडियम पर होगा। कस्टर्ड ज़्यादा ना ही गाढ़ा होना चाहिए और ना ही पतला होना चाहिए, इसे मीडियम पर होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर कस्टर्ड बनकर बिल्कुल रेडी है और मैं अब फ्लेम को ऑफ़ करूँगी और इस कस्टर्ड को मैं कोई और प्याला में डाल लूँगी जिससे फ्रूट वगैरह डालने में आसानी रहे। और अच्छा, मैं ये बता दूँ कि मैं इसमें फ्रूट ऐड करूँगी। फ्रूट में मैंने यहाँ पर पोमोग्रेट और एप्पल ली हूँ। आपको जो फेवरेट फ्रूट लगे आप उसको ऐड कर सकते हैं। मैं एप्पल और पोमोग्रेट 2 ही ऐड करूँगी और मैं यहाँ पर कुछ पोमोग्रेट इसलिए बचा ली हूँ कि इसको लास्ट टाइम में डेकोरेशन के वक्त डालूँगी जिससे वो देखने में लुक काफ़ी अच्छा दिखता है। और मैं इसको आधे घंटे के लिए मैं फ्रीज़ में रखूँगी। फ्रीज़ में रखने के बाद ही ये कंप्लीट होगा और फिर मैं इसको प्याले में डालूँगी। यहाँ पर फ्रीज़ में डालने के बाद मैं यहाँ पर प्याले में डाल रही हूँ और इसको डालने के बाद मैं इस पर डेकोरेशन करूँगी पोमोग्रेट से और फिर कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह से मैं इसको डेकोरेशन करूँगी। फिर मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं मैगी भी बना लेती हूँ क्योंकि मीठा के साथ तीता बहुत ज़रूरी होता है और ये सारी चीज़ें फ्रेंड के साथ शेयर करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ मैगी बनाना और आप मेरे वीडियो को देखते रहें।